अशोक और दिलीप दोनों आ गए हैं, तो डोगरा डोगरी आ चुके हैं। वही अपने है ना 365 डेज ब्लॉग कम्प्लीट हो रहा है, वही वो डोगरा डोगरी। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू दी आवर न्यू ब्लॉग। फिलहाल है ना मैं सुबह है ना 9 बजे के आसपास उठा था। सो है ना आज है ना हमारी छुट्टी है अमावस्या की, तो अभी है ना मैं इतना धो के रेडी हो चुका हूँ। ब्रेकफास्ट कर लिया है इडली सांभर के साथ। चिड़िया को है ना दाना देने आया हूँ, ठीक है। तो यहीं पे है ना डाल रहा हूँ, तो वो बाद में आएंगे क्योंकि अब चिड़िया डरती है, आपको भी पता है, ठीक है। रोज़ तो डालता नहीं, पर आज अमावस्या है ना इसलिए मैं डाल रहा हूँ, वरना रोज़ तो मौसी और मौसा जी डालते हैं, वो भी मॉर्निंग में, क्योंकि मैं तो निकल जाता हूँ ना दुकान के लिए। सो गाइस मैंने अभी ना हाथों पे तेल लगाया है, जो नॉर्मली तेल आता है ना खाने वाला, वो लगाया है। तो क्या है कि हलचल निकालने के समय उससे पहले हमें ना तेल लगाना चाहिए, जैसे क्या है वो जो इसमें से ना वो चिपचिपा निकलता है ना दूध उसका वाइट वाइट, तो वो निकलेगा नहीं। सो चलो अब मैंने अपना हलचल निकाला, थोड़ा सा ही बचा है तो आपको दिखाता हूँ। ये कुछ इस हलचल बचा है, देख लो, बाकी पूरा पूरा खाली। तो ये बीच में इसके ना एक टाइप से जड़ भी कह सकते हो, काफ़ी खतरनाक है, यही सबसे मुश्किल से कटती है भाई, ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा करके काट के इतना सहज जाए, तो इसको भी आज पूरा निवेड़ देंगे। मैंने कुछ इतनी सेंसर निकाली है अभी तक तो काफ़ी सारी निकालनी है, टाइम लगेगा। तो कुछ इस टाइप से अलग अलग पीस करके फिर निकालनी पड़ रही है, क्योंकि इसमें भी अलग अलग है ना रेशे आते हैं कुछ इस टाइप के। ये देखो जो ये बहुत चिपचिपे होते हैं यार, बहुत संभाल कर निकालना पड़ता है। अगर कहीं और लग गया ना पूरा वैसा हो जाएगा, पूरा चिपचिपा, कितना हार्ड है। सो फाइनली गाइस हमारे हलचल निकल चुके हैं, तो 10-15 मिनट में पूरे के पूरे निकाल दिया हमने, ठीक है। तो ये उतने समय इतने सारा हलचल निकल गए, तो सोच सकते हो कि पूरे के पूरे उसमें फनस में कितने हलचल हो गई। सो इसे जैकफ्रूट भी कहते हैं इंग्लिश में, याद रखना, किसी लोगों को नहीं पता पर मैं बता रहा हूँ। थोड़ी देर में ना विकास सिंह को आने वाले हैं, तो अभी है ना मास्टर जी का टिफिन देने के लिए आया था, तो मास्टर जी कुछ काम से बाहर गए हुए हैं, तब तक मैं अकेला ही बैठा हूँ यहाँ पे। सो विकास सिंह को आ चुका है, तो देखो वहाँ पे है ना कुल्फी लाने के लिए जा रहे हैं, तो बैग यहाँ पे खोल के सीधा भाग गए। मेरे को आज पूरा अजीब लग रहा है, क्योंकि यार मैं रोज काम धंधे पे जाता हूँ, तो अभी ना घर पे अगर बैठा रहूँ ना तो मेरे को बहुत अजीब लगता है। तो मैं सोचा कि दुकान पे ही आ जाऊँ, तो दुकान पे थोड़ा बहुत ठीक लगता है मेरे को, ठीक है। वरना घर पे मेरे को अभी बोरिंग लगने लग गया है यार, मतलब फुल बोर हो रहा हूँ। तो इसलिए ना यार अच्छा है कि यार मैं काम पे लगवाऊँ, जिससे क्या है मेरा पूरा दिन निकल जाता है और आपका ब्लॉग भी बन जाता है, थोड़ा बहुत सब कुछ, तो मेरा दिन कट जाता है भाई। तो गाइस कुल्फी आ चुकी है, तो मैं थोड़ा बहुत खा भी लिया ऊपर से, तो तीनों के तीनों मिलकर खा रहे हैं। तो एक अंकल आए हुए हैं, कुछ मौसा जी बात करनी है, मौसा जी आ रहे हैं, ठीक है। इसका टेस्ट फंटा की तरह लग रहा है। तो वैसे विकी का बैग पहन के है ना मेरे को भाई बचपन की याद आ गई, मतलब मैं जब मैं भी स्कूल जाता था, मैंने तो अपने आइसक्रीम खा ली है, इसने तो पूरे इसके अंदर ही गला दी। तो इसको देखकर भी याद आती है बचपन की, छोटा था शर्मा गया पीछे चुप गया शर्मा रहा है। छोटे छोटे पैंट, छोटी छोटी हाइट, बूट, शूज, गजब का लगता था यार उस समय। छोटे थे ना, पापा भी ऐसे ही आते थे हमें लेने के लिए, मम्मी, गजब, बहुत मजे किए यार बचपन में। तो अब घर के लिए निकल रहे तीनों के तीनों, तो विकी गए थे जाकर आ गया। चलो क्यों बेइज्जती कर रहा है मेरी बिना फालतू की। थोड़े बहुत दांत है ना पीले पीले हो गए, ठीक है। तो इसे देखकर एक और बात याद आ गई कि वो आता ना वो नीली जुबान वाला, ठीक है, वो हम भी वो भी बचपन में खाया करते थे। काफी बढ़िया जिया यार बचपन, तो काफी मजे किए हैं। इसका देखो क्या हाल है यार, गजब। तो काफी मजा आता था यार बचपन में, बचपन की यादें ताजा हो जाती है। फिर से बोल रहे यहाँ पे पेटे को फोड़ के ना 2 जगह पे रख दिया है, हाँ देखिए। तो यहाँ पे ये कुछ प्रथा होती है, आपको भी पता ही होगा, पिक्चरों में देखा ही होगा। चल रे नौटंकी चल, देखो लाइट इफेक्ट इतना बढ़िया आ रहा है यार, वीडियो क्वालिटी अच्छी। सो गाइस बेंगलुरु की एक रेयर चीज बताता हूँ कि है ना यहाँ पे है ना धूप आना बहुत बड़ी रेयर चीज है, क्योंकि यहाँ पे धूप आसानी से देखने को नहीं मिलती, और आज काफी खतरनाक वाली धूप है यार, कड़क वाली, खतरनाक। तो भी देखो उस तरफ कोहरा ही कोहरा हो रखा है, धूप है तो भी कोहरा, गजब है यार। अलग ही है, यहाँ का सिस्टम ही अलग है, यहाँ का पूरा क्लाइमेट ही अलग ही है। सो गाइस, अब मैं थोड़ी देर पहले बात कर रहा था कि मौसम यहाँ पे तो बहुत रेयर चीज है और अभी मौसम चेंज भी हो गया है, सिर्फ 15-20 मिनट की बात है भाई। देखो मौसम पूरा ठंडा ठंडा पूरा छाव हो रखी है, क्या मौसम है यहाँ का यार, गजब अलग ही है यार। इतने बढ़िया पेड़ पौधे लगा यार, काफी बढ़िया। सो गाइस, ऊपर काफी खतरनाक वाली बारिश है और मैं जा रहा हूँ ऊपर देखने के लिए क्या सीन है। सो खतरनाक वाली बारिश आ रही है तो मैंने ऐसे ऊपर कर दिया भाई, काफी खतरनाक। ओ माय गॉड, ये कौन सा सीन है भाई, ओ भाई गजब यार। अबे ये भी आ गया, गजब का यार, क्या सनसेट है यार, वाह। अशोक और दिलीप दोनों आ गए हैं, तो डोगरा डोगरी आ चुके हैं, वही अपने है ना 365 डेज ब्लॉग कम्प्लीट हो रहा है, वही वो डोगरा डोगरी। तो गाइस, अभी आए हैं राजकुमार स्टैचू के पास, यहाँ पे काफी बढ़िया लग रहा है। तो एक राजकुमार के स्टैचू ये है और पुनीत राजकुमार के स्टैचू उस तरफ है जो मैंने पहले बता रखी है वो वाली, ठीक है। काफी बढ़िया लाइटिंग वगैरह है, वहाँ पीछे ड्राइंग्स भी देखो कितनी बढ़िया बनाए हुए यार, काफी बढ़िया। तो मासी और रिंकू भी आए थे साथ में। तो इस ब्लॉग को पेंट करते हुए पाँच का ब्लॉग पसंद है, लाइक करना चाहिए, मिलते हैं बाय बाय।